तो अभी हमने पुष्पा मूवीज वाले दो पाउडर्स की खोज कर ली है, ये है हमारे पास लाल चंदन और दूसरा हमारे पास चंदन, और जो इसका हमारे अगरबत्तियों में क्या काम है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, और पाउडर्स के बारे में भी बात करेंगे कि दोनों पाउडर्स की कैटेगरी क्या है, किस में क्या क्या फर्क है उसके बारे में, रेड सैंडलवुड और सैंडलवुड। तो हेलो गाइज, मैं हूं मनीष, और कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। टॉपिक में जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लें आप। तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक्स के ऊपर। जैसा कि ये हमारे पास दो तरीके के पाउडर्स हैं, और ये तो आप जानते होंगे, रेड सैंडलवुड और सैंडलवुड, और जो है ये खास तरीके के पाउडर्स हैं। जैसा कि अभी एक मूवी आई हुई थी पुष्पा करके, उसमें इसका काफी जिक्र जो है किया हुआ है। उस मूवी में एक खास स्टोरी थी जिसमें रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग जो है की जाती थी, तो स्मगलिंग हम नहीं करेंगे, हमें जो है काफी समय के बाद ये पाउडर्स मिले और ये हमारी अगरबत्तियों में काफी अच्छी तरीके से जो है काम करती है। चाहे आप हैंडमेड प्रोसेस में फ्लोरा अगरबत्ती बनाए, मसाला अगरबत्ती बनाए, या फिर पाउडर फॉर्म में कोई अगरबत्ती बनाए जिसमें इनका पाउडर बेहद अच्छी तरीके से यूज की जाती है, सम्रानी कप्स में, धूप्स में इन पाउडर्स का काफी जो है ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये है हमारा रेड सैंडलवुड पाउडर, लाल चंदन जिसको हम बोलते हैं, और इसकी कलर आप देख सकते हो थोड़ी सी हल्की लाल कलर पे है ये, और ये पाउडर फॉर्म में पूरी तरीके से ये ग्राइंड किया हुआ पाउडर है, और इसमें काफी अच्छी स्मेल है। अभी इसका जो स्मेल है यहाँ नीचे डालने पर स्मेल जो इसका आना चालू हो गया है। तो जैसा कि ये सामने देख पा रहे हैं आप रेड सैंडलवुड की पाउडर, और इसके बारे में आपको काफी सारी चीजें शायद पता होगी, और नहीं होगी तो मैं आगे ये इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा ये एक पाउडर फॉर्म की पाउडर है, मतलब एक पाउडर फॉर्म में है ये, और देखने में ये काफ़ी अच्छा है, मतलब स्मूथ पाउडर है, बहुत चिकनापन है इसमें, और स्मेलिंग भी काफ़ी अच्छी है, मतलब इसमें से स्मेल जो है अभी चालू हो गई है आनी। और जैसा कि इसके कहानियों के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल एक मूवी आई हुई थी पुष्पा, सो उसमें आपने अगर मूवी देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि तो जो है ये पाउडर्स आंध्र प्रदेश के एक खास जंगल सेसाचेलम नाम के एक जंगल्स में ज़्यादातर पाई जाती है, और जो मूवी है कुछ ज़्यादातर हिस्सों में वहीं बनी हुई है। जैसा कि आप मूवी देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ें मालूम होगी कि उसकी जो रेड सैंडलवुड जो लाल चंदन की जो लकड़ियाँ हैं उसकी कैसे स्मगलिंग होती है, और देखा जाए तो इसका उत्पादन मतलब इसका जो पेड़ है और ये जो लाल चंदन लकड़ी जो पाई जाने वाली है वो केवल भारत के सेसापुरम जिलम सेसापुरम जंगल के आसपास वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है, और कहीं इसका जो है पेड़ नहीं होते। चाहे आप बाहर के किसी देशों में देखें या फिर और भारत के और किसी अन्य जगहों पे देखें तो ये सेसाचेलम जो जंगल्स है वहीं इनकी जो है पेड़ होती है। अब जो है हम बात करते हैं कि हमारे अगरबत्तियों में इसका क्या काम है। तो दरअसल ये पाउडर जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पाउडर है, मतलब हमारी जो अगरबत्तियों में एक खास तरीके की सुगंधित इसको फैलाने के लिए, मतलब खास तरह की सुगंध वाली अगरबत्तियां बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप कई तरह के अलग अलग कैटेगरीज में अगरबत्ती बनाते हैं, मोगरा, गुलाब, चंदन, तो उसी तरीके की एक चंदन कैटेगरी की जो हैंडमेड फ्लोरा अगरबत्ती होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो इसे आप रेड सैंडलवुड के नाम से भी अभी बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स, कंपाउंड्स, परफ्यूम्स मिलने चालू हो गए हैं। सो हैंडमेड के प्रोसेस में ये पाउडर्स हैं, तो पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने से एक अच्छी जो खुशबू है वो निकल के आएगी, और जो है अच्छी क्वालिटी में, हमारी प्रीमियम क्वालिटी में अगरबत्तियाँ तैयार होगी। तो ये है हमारा चंदन पाउडर, तो ये है चंदन पाउडर। जैसा कि आपको दिखने में लग रहा होगा ये थोड़ी सी उनसे लाइटेड कलर पे है, और जो है कैटेगरीज की देखी जाए तो ये भी अच्छे पाउडर फॉर्म में, काफ़ी मतलब फिनिशिंग पाउडर है ये, और इसमें भी एक अच्छी खुशबू है। मतलब दोनों की फ्रेग्रेंस की हम बात करें तो इसका जो स्मेल है वो थोड़ा सा लाइट वेट है, और ये थोड़ा सा
भी जो स्मेल है वो काफी अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सा मिलता जुलता मेरे को लग रहा है ऐसा स्मेल करने पे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, रेड सैंडलवुड काफी अलग है और ये थोड़ा सा स्मेल इसका जो टोन है लगभग लगभग सेम है, लेकिन इसमें चेंजेस है। तो इस तरीके से है हमारा चंदन पाउडर, और इसे भी उसी कैटेगरी में आप यूज कर सकते हैं अगरबत्तियों में। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि अगरबत्तियों में चंदन का पाउडर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, हालांकि आप रेड सैंडलवुड को नहीं सुने होंगे, लेकिन लाल चंदन को नॉर्मल जो चंदन पाउडर है उसका यूज आप किए भी होंगे। और इसका हम जो है चंदन से रिलेटेड जो अगरबत्तियां बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, और इसका यूज आप जरूर कीजिए। इसमें एक अच्छी स्मेल है, मतलब देखा जाए तो अगर इसे ऐड किया जाए तो एक अगरबत्तियों में अच्छी खुशबू निकलने वाली है, और मैंने ट्राई भी किया, दोनों पाउडर्स को मैंने अलग अलग कैटेगरी में अगरबत्तियां बनाई हैं और उसे यूज किया है। और ज्यादातर लोग जो है कंपाउंड का यूज कर लेते हैं, मतलब परफ्यूम जो आते हैं रेडीमेड जो परफ्यूम्स मिलते हैं उसका यूज कर लेते हैं, सो वो अलग चीजें हैं, लेकिन आपको एक ऑर्गेनिक और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है प्रीमियम क्वालिटी पे, चाहे हैंडमेड बनाना चाहते हो चाहे नॉर्मल पाउडर फॉर्म की। तो ये तो हो गया हमारा दोनों पाउडर्स, ये है हमारा लाल चंदन और ये है नॉर्मल चंदन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कलर में भी आपको चेंजेस नजर आ रहा होगा, तो ये थोड़ा सा जो है डार्क कलर पे है और ये थोड़ा सा लाइट वेट कलर पे है। तो ऐसा है ये दोनों पाउडर्स, इसके बारे में आपको सारी जानकारियां हो गई होगी मेरे ख्याल से। और तो मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।